तो व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक्सटाइल ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि अपने कंप्यूटर का जो विंडोज 11 होता है ना, कंप्यूटर लैपटॉप का, उसको स्पीड अप कैसे करें। मुझे बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई मेरा विंडोज 11 बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, एक ऐसा वीडियो बनाओ कि मैं उसको स्पीड कर पाऊँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ये बताऊँगा कि अपने जो विंडोज 11 है ना, उसको स्पीड कैसे करें। जी हाँ भाई लोग, बहुत हद तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ भाई लोग, मैं ये भी बात करूँगा कि आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है ज़्यादातर। ओके, तो चलिए भाई लोग जानते हैं कि कैसे इसको करते हैं, कैसे अपने जो विंडोज 11 को है उसको स्पीड करते हैं। मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना। मगर हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे नहीं करते। ओके, और सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते, तो भाई लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अपना जो विंडोज 11 को है ना, उसको स्पीड कैसे करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अपने जो विंडोज 11 को है ना, उसको स्पीड कैसे करते हैं। ओके, मैं आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि 4 या 5 पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ओके, इनमें से जो फोर्थ वाला है वो बहुत ज़्यादा मस्त वाला है। ओके, उसको ज़रूर देख लेना। ओके, आप लोगों का वो 100% वर्क करेगा, ये सब भी वर्क करेगा, बस अगर एक बार आप लोग ये भी ट्राई करके देख लो, अगर ये वर्क नहीं करता है तो आप लोगों का फोर्थ और फिफ्थ वाला ज़रूर काम करेगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला जो चीज़, जी हाँ भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टास्क मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, टास्क मैनेजर करके आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग टास्क मैनेजर में यहाँ लिख दोगे तो आपके स्टैप में खुल करके आएगा। दोस्तों सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हो, मेरा प्रोसेसर, मेरा रैम कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इतना यूज़ वैसे होना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो बेकार फाइल है उसको आप लोगों को हटा देना है यहाँ से। ओके, ये सब आप बैकग्राउंड में रह करके आपका रैम यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका विंडोज़ को रैम, परफेक्ट रैम मिल नहीं पाता और वो स्लो काम करता है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये माइक्रो देख सकते हो भाई, यहाँ बहुत सारा चीज़ जो आप लोगों काम नहीं कर फिर भी आप लोगों का वो रन हो रहा है, आपको सबसे पहले उसको काट देना है। तो सबसे पहला चीज़, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ है तो देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो हमारा कोई काम का है नहीं, तो ये बैकग्राउंड में आखिर रन क्यों हो रहा है। तो मैं इसको काट दूंगा, यहाँ पर एंड टास्क कर दूंगा। ओके, क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का कोई काम नहीं है, अभी हम रन वन भी कर नहीं रहे तो वो क्यों रन हो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो उसको पहले काट दिए, हमारा हमने कोई अभी तक कोई फोटोज ओपन नहीं किए तो हमारा फोटोज क्यों रन हो रहा है, तो चलिए इसको भी काट देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का देख, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होगे ना, तो आप लोगों का एप्लीकेशन दिखाएगा। ओके, जैसे कि क्रोम या कुछ भी आप लोग एप्लीकेशन है ना, वो अगर बैकग्राउंड में रन होता होगा तो आप लोग तुरंत उसको जाकर के यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर देना। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टअप, स्टार्टअप में आप लोगों को देख सकते हैं, मैंने आप लोग जो भी नया नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा ना, यहाँ पर ही आप लोगों को दिख जाएगा। दरअसल ये होता क्या है ना, आप लोगों का कंप्यूटर जब भी ऑन होता है ना, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ना रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मेरा ये फिल्मोरा ऑटोमेटिकली यहाँ बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तो बैकग्राउंड में रन हो रहा है कि जिसके कारण हमारा रैम यूसेज, सीपीयू यूसेज सब बढ़ गया है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, डिसेबल कर दूंगा, तो देख सकते हो हमारा डिसेबल, विंडोज़ टर्मिनल का भी हमें काम नहीं है तो डिसेबल। यहाँ विंडोज़ सिक्योरिटी, इसको रहने देना क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ का है। रेलटैक ऑडियो का, इसको भी रहने देना, ये देख सकती है प्रोग्राम बहुत कुछ और है तो उसके मैं डिसेबल कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी हमारा कोई काम नहीं है तो भी ये रन हो रहा है तो उसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा। यहाँ पर ही वन या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, मैंने इसका भी कोई काम नहीं तो मैं इसको भी डिसेबल कर दूंगा। यहाँ पर ही कोटाना है, कोटाना का भी काम नहीं तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। याद रहे, लेकिन मेन चीज़ को डिसेबल मत करना, जैसे कि ऑडियो का कोई हो रहा है तो उसको डिसेबल मत करना, ऑडियो ड्राइवर ओवर, सिक्योरिटी वाला कुछ को डिसेबल मत करना, डिस्प्ले वाला को डिसेबल मत करना। ओके, ये 3 से 4 चीज़ को डिसेबल मत करना, बाकी जो बेकार जो ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में रन होनी है और उसको कोई काम नहीं है, आप लोग तुरंत उसको डिसेबल करना। वो क्या करते हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड में रन होके ना बहुत सारा प्रोसेसर यूसेज, बहुत सारा रैम यूसेज करते रहते हैं, जिसके कारण आप लोगों का स्लो काम करेगा। अब ऑब्वियस बात है, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड जो रनिंग वो एप्स ज़्यादा यूसेज होगा तो आप लोगों को चलाने में थोड़ा स्लो फील होगा, 100% होगा, क्योंकि मैं चीज़ नोटिस किया। ओके दोस्तों, उसके बाद जो चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिस पीसी में क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टैब में खुल करके आ जाएगा। आपको किसी भी एक ड्राइव में राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना पड़ेगा, किसी भी एक ड्राइव में राइट क्लिक कर देना, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर देना। ओके, यहाँ पर टूल्स मिलेगा, टूल्स में मिल जाने के बाद यहाँ मिलेगा ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पर ही आप लोगों का सारा ड्राइव खुल करके आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो। अब ये क्या करता है ना, आप लोगों का कंप्यूटर, अगर आप लोग मान लीजिए कोई ऐप ओपन किए
तो ये क्या करता है आप लोगों का जो ड्राइव का वो ऑप्टिमाइज कर देता है। क्या होता है कि दरअसल आप लोगों का ड्राइव का भी वजह से आप लोगों को स्लो फील होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों का हार्ड डिस्क ख़राब है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं ये मेरे साथ ये पर्सनल प्रॉब्लम हो चुका है, अगर आप लोगों का हार्ड डिस्क ख़राब है और अगर आप लोग जो ख़राब वाला हार्ड डिस्क होता है ना, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड डिस्क स्लो हो गया, कभी कभी होता है भाई, कुछ कुछ हार्ड डिस्क ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा थोड़े दिन के बाद चलने के बाद वो आप लोगों का स्लो हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा साल चले उसके बाद वो स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, आप लोग ये खुद नोटिस करोगे। तो ये हार्ड डिस्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ऑप्टिमाइज जो भी आप लोगों का मेन है, जहाँ आप लोगों का ज़्यादा रन होता है, उसको क्या करो, क्लिक करके बस ऑप्टिमाइज कर लिया करो। अब इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा और स्पीड काम करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो भी ड्राइव का जो पीस चीज़ है वो सबको ये ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिमाइज हो गया बस। ओके, तो ये भी भाई एक चीज़ है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को स्पीड कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो चीज़ है ना, इससे आप लोगों का काफ़ी हद तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने स्पीड में। जी हाँ दोस्तों, 100% मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, दिस पीसी में प्रॉपर्टीज़ में चल जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में आ जाने के बाद यहाँ पर ही आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि आपको नीचे आ जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ मिलेगा परफॉर्मेंस, यहाँ आपको क्लिक कर देना पड़ेगा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अब इससे होगा क्या, तो इससे क्या होता है ना, आपका जो कंप्यूटर का है ना वर्चुअल ग्राफिक्स, जी मतलब जो ग्राफिक्स होता है, जो होता है ना एनिमेशन ट्रांजिशन, वो सब डिसेबल हो जाता है। अब डिसेबल होने से क्या होगा, तो दोस्तों अगर आप लोगों का इसमें एनिमेशन नहीं रहेगा ना, तो ऑब्वियस बात है आप लोगों का जो कोई भी जो काम है, कोई भी चीज़ है, वो फटाफट लोड होगा। मैं आप लोगों का फॉर सपोज एक बार प्रूफ भी दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक किया, देख सकते हैं भाई लोग कितना ज़्यादा स्पीड खुल रहा है, कितना ज़्यादा स्पीड जी हाँ दोस्तों क्लोज हो रहा है, जैसे कि आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो। दोस्तों लोडिंग का तो भाई लोग नामो निशान नहीं है, एकदम फटाफट ओपन हो जा रहा है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं आप लोगों को एक बार राइट क्लिक करता हूँ, वापस से अब मैं आप लोगों को ग्राफिक्स ऑन करके दिखाता हूँ कितना ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर ही मैं सेटिंग में क्लिक किया, यहाँ पर ही मैं लेट विंडोज चूज, यहाँ पर ही अप्लाई। ओके, तो अब देख सकते हो भाई लोग कितना ज़्यादा हमें स्लो ओपन होने का एहसास हो रहा है। तो ये भाई लोग तीसरा चीज़। ओके, अब आप लोग भाई बोलोगे कि भाई अब मेरे को अपना ट्रांजिशन भी नहीं गवाना है, मेरे को अपना सब चीज़ नॉर्मल चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर स्पीड हो जाए। तो उन लोगों के लिए भाई लोग है फोर्थ नंबर का चीज़, जी हाँ दोस्तों ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो दोस्तों चौथा जो चीज़ है ना, वो है आप लोगों का जो बेकार जो जंक फाइल होता है ना, उसका वजह से भी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि अगर आप लोगों का मोबाइल में जंक फाइल जमा हो गया, बेकार फाइल, तो आप लोगों का वो मोबाइल का थोड़ा स्लो कर देता है। ओके, आप लोगों का स्टोरेज भी धीरे धीरे भरने लगता है, तो उसको भाई लोग आप लोगों क्लिक करना पड़ेगा। क्लीन कैसे करना है, विंडोज़ प्लस आर दबा देना। अगर विंडोज़ प्लस आर नहीं दबा पाओगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग, यहाँ पर सर्च में, यहाँ पर आपको बस रन लिख देना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर ही रन लिख दोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ रन लिख करके आ जाएगा, रन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर ही अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा TEMP, टेम्प लिख देना, टेम्प मतलब टेम्पररी, टेम्प लिख देना। और टेम्प के अंदर आप लोगों का जो भी फाइल्स होगा ना, ये सबको आपको डिलीट कर देना है, सबको सेलेक्ट करके बस डिलीट कर देना है। तो ये मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब जो इसके बाद फिर से आप लोगों को रन ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको परसेंट देख सकते हैं, परसेंट उसके बाद टेम्प, तो जैसे ही आप देख सकते हैं उसके बाद परसेंट, ये क्लिक कर देना यहाँ पर ही। ओके, अब यहाँ पर जो भी फाइल है आप लोगों को कंट्रोल प्लस ऑल, यहाँ पर ही डिलीट, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देना। तो ये सब क्या करते हैं, आप लोगों कंप्यूटर में ना रह करके बेकार का स्पेस भी कैप्चर करते हैं और ऊपर से आप लोगों कंप्यूटर को हल्का स्लो भी बनाते हैं। ओके, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, मेरे को हल्का सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता था अगर मैं जब ये जंक फाइल सब क्लीन कर देता था तो। ओके, अब यहाँ पर मैं विंडोज़ प्लस आर फिर से दबाया, यहाँ पर अब आपको लिखना है प्रेफेच। जी हाँ दोस्तों, प्रेफेच करके आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर ही प्रेफेस करके मैंने लिख दिया, यहाँ पर ही ओके, यहाँ पर ही कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो अब मैंने इसको भी देख सकते हो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा ये भी डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से रिसाइकल बिन से भी हटा दूंगा, रिसाइकल बिन में जाके जमा होगा तो रिसाइकल बिन से भी ज़रूर क्लियर कर देना। ये चीज़ आप लोगों का ध्यान रखना कि मैं रिसाइकल बिन से क्लियर कर दूँ। ओके,
तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमारे सब डिलीट हो चुका। अब आपको फिर से विंडोज प्लस आर दबाना है यानी कि रन ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ट्री, ट्री को लिख देने के बाद यहाँ पर ही ओके इस टाइप में कमांड चलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारा जो कंप्यूटर का है वो सब चीज़ हो चुका है। अब जो लास्ट चीज़ है, अगर आप लोगों का कोई चीज़ काम करने के बाद भी आप लोगों का स्पीड नहीं हुआ ना, सच में नहीं हुआ ना, मैं आप लोगों को बता दूं मेरे में ये सब ट्रिक काम किया है। मेरे को हल्का परफॉर्मेंस का जंप देखने को मिला है। अब आप लोगों का मैं कुछ बता नहीं सकता, मगर अगर आप लोगों का ये सब करने के बाद भी नहीं काम किया ना, तो समझ जाना आप लोग फिफ्थ वाले कैटेगरी से हो। ओके, तो दोस्तों आप फिफ्थ वाले नंबर से जानते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो चीज़ है ना, फिफ्थ नंबर का जो चीज़ है वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। ध्यान रहे ये चीज़ आप लोगों का मैक्सिमम जो कारण आप लोगों को फेस करने को मिल रहा है ना, वो है आप लोगों का कंप्यूटर का स्पेक सही नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे 2 GB रैम में विंडोज 11 चलाएंगे, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 GB रैम में विंडोज 11, 4 GB रैम में विंडोज 11। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि विंडोज 11 को चलाने के लिए ना, विंडोज 11 वालों ने कुछ रिकमेंडेशन रखा है, उसको पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, विंडोज 11 रियल सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि आप लोगों का कंप्यूटर में कितना स्पेक्स कितना रैम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कितना रैम कितना स्पेक्स होना चाहिए। अगर आप लोगों का 2 GB या 3 GB रैम है तो आप लोगों को थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने मिनिमम 4 GB रैम का रिकमेंडेशन रखा है। मिनिमम 4 GB रैम, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल जो ऐप्स हो गया, गेम्स हो गया, उनका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट, उनका रैम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो अब आप लोगों का मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद जो आप लोगों का स्पेक्स मेन होता है वो आपका प्रोसेसर। मैं आप लोगों को अपना प्रोसेसर दिखा देना चाहता हूँ, मेरा कंप्यूटर कितना ज़्यादा पुराना है, कितना ज़्यादा लो एंड है, तब भी मैं इसमें विंडोज़ 11 रन कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा भी कंप्यूटर उतना ज़्यादा स्पीड नहीं चलता है। ओके, मगर मैं इसमें जुगाड़ उगाड़ लगा करके थोड़ा सा मेरे को परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है। ओके, क्योंकि मेरे को, आप लोगों को तो पता है, मेरे को वीडियो बनाना है विंडोज़ 11 के ऊपर, इसीलिए मैंने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया है। ओके, अगर आप लोगों का स्पेक्स बहुत ज़्यादा लो एंड है ना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का सजेशन नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा ये है, क्या मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकता हूँ। भाई मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके विंडोज़ जो एंड्रॉयड के ऐप्स होता है ना, उसको रन करूँगा। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा आप लोगों का अगर आप लोगों का स्पेक्स कम है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि आपको किन किन का लैपटॉप कंप्यूटर में विंडोज़ 11 रन करेगा, मिनिमम कितना आप लोगों का स्पेक्स होना चाहिए, मिनिमम आप लोग कितना, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मिनिमम आप लोग i3 या i7 या i5 का जो फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन होता है ना, उससे तरफ से जाना। ओके, फिफ्थ या सिक्स जनरेशन के बाद से आप लोगों को जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, i3, i5, i7। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को एकदम फुल डिटेल में जानना है ना कि कौन कौन से विंडोज़ के, कौन कौन से लैपटॉप में आप लोगों का विंडोज़ 11 रन करेगा, कितना स्पेक चाहिए, तो मैंने उसके सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लेना। वीडियो पसंद आया तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार आया तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोग फिर आऊँगा इसी नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल आइकॉन को जरूर दबा देना।